हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक नया पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। उस पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आप देख रहे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का नाम है। ये पेपर जो है आपसे यूपी जुडिशरी के मेंस में पूछा जाता है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वो किसमें होती है, यूपी जुडिशरी का जब मेंस वो देने लगते हैं तो उसमें इंग्लिश का जो पेपर आता है वो सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया बैच इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो क्लास है आपकी कब से स्टार्ट होगी, इस क्लास को आप कैसे पा सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगा इस इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, और ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पेपर हमें स्टार्ट करना है, उस पेपर का नाम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है आपका, ठीक है। अब ये कहा आता है, ये मेंस एग्जाम में आता है, यूपी जुडिशरी के मेंस एग्जाम में आपका एक पेपर होता है ये, क्लियर। अब जो ये पेपर है आपका स्टार्ट कब से होगा, 8 दिसंबर से आपकी क्लास इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को इसकी क्लास ज्वाइन करनी है तो वो जल्द से जल्द बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले शेयर करता हूं। तो क्लास आप लोग 8 दिसंबर से पहले ही आप ज्वाइन कर लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी दोनों की क्लास 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो यदि आपको उसकी भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो 7 दिसंबर से पहले ही आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका दोनों एग्जाम का कभी भी आ सकता है। मैं बता रहा हूं, यूपी जुडिशरी हो चाहे यूपी एपीओ हो, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। पहले हम सोचते हैं लैंग्वेज का पेपर, मैं आपको बताऊं ये लैंग्वेज का पेपर होता है यूपी जुडिशरी का। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे मेंस का, तो ये मेंस की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेंस के पेपर में एक पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है और क्या पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है। हिंदी जो है आपका वो 100 मार्क्स का होता है और इंग्लिश जो है ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। पहले क्या हुआ करता था कि इंग्लिश क्या है 200 नंबर का हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में अब ये क्या हो गया, अब हिंदी 100 नंबर का हो गया, 100 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है, आप समझिए। फर्स्ट नंबर पे आप क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर पर आप पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, ये आप ऐसे पढ़ते हैं। ये ऐसे कितने मार्क्स का होगा, ये आपका होगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का ऐसे हो जाएगा। सेकंड पे आप क्या पढ़ते हैं, सेकंड पे आपको पढ़ना होता है प्रेसी राइटिंग, पढ़ते हैं आप प्रेसी राइटिंग, ठीक है, प्रेसी राइटिंग पढ़ते हैं। ये कितने मार्क्स का होता है, ये 30 मार्क्स का होता है। एंड थर्ड पे आपको क्या पढ़ना होता है, थर्ड पे आप पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में आप पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया जाए, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं आप। ये कितने मार्क्स का होता है, ये हो जाता है 20 मार्क्स का। अब टोटल हम मिला लें कि 50 और 30 और 20 टोटल कितने हो गए, 100 आपके मार्क्स हो गए, ठीक है, यही तो है। ये आपका इंग्लिश का पेपर होता है। हमने क्या बताया आपसे, लैंग्वेज का पेपर जुडिशरी के मेंस में होता है, दो पेपर पूछे जाते हैं, लैंग्वेज दो पेपर होता है, एक हिंदी होता है दूसरा इंग्लिश होता है। हिंदी 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है।
इंग्लिश में हम लोग बात कर रहे हैं तो पहला आपका एसे आता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, पूछा जाता है, और प्रेसी होता है राइटिंग 30 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश आता है, ये आपका 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स के आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं। आपको जो प्रिपरेशन कराई जाएगी वो क्या रहेगा, वो इन्हीं चीजों की करवाई जाएगी कि ऐसे कैसे लिखा जाए, किन किन टॉपिक पर आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रेसी आप कैसे लिखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सभी चीजें आपको करवाई जाएंगी। देखिए हिंदी में समस्या नहीं आती, जो फर्स्ट आप मैंने बताया ये वाला हिंदी वाला जो पेपर, इसमें समस्या नहीं आती, ये तो सभी कर ले जाते हैं। समस्या जो सबसे बड़ी आती है वो इसमें आती है, ये इंग्लिश वाले पेपर में आती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना इंग्लिश का पेपर जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। खासकर इस पेपर में सबसे बड़ी समस्या जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उनको आती है, और मेंस में आपको पता है कि जो 100 मार्क्स का पेपर है इसका रोल काफी अहमियत रखता है, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो प्लीज आप बताए गए नंबर पर 8 दिसंबर से पहले ही क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, 8 दिसंबर से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको, अच्छा इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे प्लस पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो के साथ आपके नोट्स इसके साथ रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।